पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन, आज भी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सोमवार से ही वाराणसी में है 12 राज्यों के सीएम और 9 राज्यों के डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी के टीम इंडिया विजन पर भी जोर होगा। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे सर्वोदय महामंदिर पहुंचेंगे। सदगुरु सदाफल देव महायोग संस्थान के 98वें वार्षिक उत्सव में भी शामिल होंगे। आधी रात काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी के साथ नए परिसर का निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी ने रात में ही बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, प्लेटफॉर्म की साफ सफाई साथ ही इंतजामों को देखा। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों का अभिवादन किया। वाराणसी की गलियों में निकले पीएम मोदी, बच्चे के साथ मस्ती की। पीएम मोदी ने रात में क्रूज पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। संध्या आरती के बाद 6 घंटे क्रूज पर ही रखे। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ खिंचवाई ग्रुप फोटो। पीएम मोदी ने क्रूज से दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। सीएम योगी भी मौजूद थे। सोमवार को पीएम मोदी ने काशी को दी बड़ी सौगात, देश को समर्पित किया काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की पूजा, गंगा जल से अभिषेक किया, आरती भी उतारी। उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, काशी तो अविनाशी है, जिनके हाथों में डमरू उनकी यहां सरकार। पीएम ने लोगों से 3 संकल्प लेने को कहा, स्वच्छता, सृजन, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास करें। पीएम मोदी ने ललिता घाट से रविदास घाट तक क्रूज से ही सैर की, संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। काशी में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, गांधी जी के नाम पर बहुत लोगों ने सत्ता हासिल की, पीएम की कोशिश से काशी विश्वनाथ का भव्य रूप दिखा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम ने भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा। मोदी के काशी दौरे पर अखिलेश यादव का विवादित बयान, कहा कि अंतिम समय में लोग बनारस में ही रहना पसंद करते हैं। यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह का हमला, काशी की भव्यता देख बौखलाए अखिलेश यादव, जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो खुशी से झूमते। अखिलेश के बयान को सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि वो भारतीय नहीं जिन्ना सभ्यता से प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, अखिलेश सच्चे हिंदू तो स्वागत करें, स्वागत नहीं कर सकते तो चुप बैठे। अखिलेश के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूछा कि काशी की तारीफ ना करके क्या वो औरंगजेब के साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने अखिलेश के बयान को अपमानजनक बताया, कहा कि चुनाव में यूपी की जनता जवाब देगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भारी सियासत, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सिर्फ एक धर्म के पीएम नहीं, दूसरे धर्मों पर भी दे ध्यान। एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, मोदी जी गंगा को स्वच्छ करने में नाकाम रहे हैं, कई मंत्री बदले गए लेकिन सफाई अभियान अधूरा है। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में मनाया गया दीपोत्सव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर उत्सव। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला, आतंकियों ने पुलिस बस पर फायरिंग की, हमले में 2 जवान शहीद, 12 जख्मी। आतंकियों ने संसद हमले की बरसी पर किया हमला, बाइक से आए आतंकियों ने बस पर दो तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की। श्रीनगर के जेवन इलाके में हुआ हमला, हमले के वक्त 25 पुलिसकर्मी जा रहे थे बस में। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान, 2 से 3 आतंकी हमले में हो सकते हैं शामिल, अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की नाकेबंदी की, चलाए जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली, पहले जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था संगठन का सरगना। शहीद हुए जवानों में पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी शामिल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने दिया भरोसा, जल्द ही आतंकियों को पकड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने आतंकवादी वारदात पर दुख जताया, हमले पर मांगी रिपोर्ट, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की कारणा बताया, आतंकियों को मिलेगी सजा कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आतंकी हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बात करने की वकालत की, कहा कि चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात पर खराब बताया, बोली कि केंद्र कितना भी दावा करे या कुछ नहीं बदला। प्रियंका गांधी ने आतंकी हमले की निंदा की, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर के रंगेट में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या अब 40 तक पहुंची, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मिले हैं 2 नए केस। 2 नए केस मिलने के बाद महाराष्ट्र में अब 20 लोग हुए इस वेरिएंट से संक्रमित, पुणे और लातूर में मिले नए केस। पाकिस्तान के ओमिक्रॉन का मिला पहला केस, कराची की एक महिला पाई गई संक्रमित। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत, पीएम बोरिस जॉनसन ने जानकारी दी। ब्रिटेन में अगले साल अप्रैल तक ओमिक्रॉन के 75,000 लोगों में हो सकती है मौत, एक स्टडी में दी गई है चेतावनी, अतिरिक्त कदम उठाने को कहा गया। एक्टर करीना कपूर और अमृता अरोड़ा हुए कोरोना पॉजिटिव, बीएमसी ने संपर्क में आए लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दिए। बीएमसी ने करीना कपूर के घर को किया सील, कहा कि करीना ने संपर्क में आए लोगों की पूरी जानकारी नहीं दी। देश में कोरोना के 7,350 नए केस आए हैं 24 घंटे में और 202 लोगों की जान गई है।